चलिए, पिछली क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे प्लीज। पिछली क्लास में किसी को कोई डाउट है? लास्ट क्लास पढ़ जाए आगे। हाँ सर। चलिए सर बोल भाई। सर एक बार एक्साइटेशन और एक्सचेंज एनर्जी का फर्क बताओ ना प्लीज एक बार। देख, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है तेरे पास, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के हायर एनर्जी पर गया, तो इस चीज को बोलते हैं एक्साइटेशन। और इलेक्ट्रॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में नाचा, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, इसको बोला एक्सचेंज एनर्जी। समझ गया? हाँ सर। समझ चलिए देखते हैं। कहाँ से चालू करें? चलिए आज से अपन चैप्टर चालू करते हैं पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किसने दिया था बताइए? सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किसने दिया था? डोबिनियर। और डोबिनियर से पहले? डोबिनियर से पहले प्राउट हाइपोथेसिस। प्राउट, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट लिया गया था वो दिया था लेवोशायर ने। सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन लेवोशायर, फर्स्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जैक्टली, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सबसे पहला अटेम्प्ट ये था। और फिर उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, अपन भी लिख लेते हैं सिर्फ लेवोशायर के सम्मान के लिए। बोल भाई। सर वो ऊपर की लाइन नहीं दिख रही। ऊपर की लाइन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है। फिट टू विंडो कर उस पे मेरे को क्लिक करके, मतलब विंडो पे क्लिक करके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए अब थोड़ा सा आपके पुरानी इसको देख लेते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताएंगे। 10 to donate electron. जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। They donate electron when required, they accept electron. Electron. और क्या प्रॉपर्टी है फिजिकल? They are ductile. Malleable and ductile. Hard, malleable, ductile, sonorous. Lustrous. 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 Have high densities. High density. Good conductor.
कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड हो गया है बस हार्ड मेलेबल हो गया ना ये सॉलिड की तो प्रॉपर्टीज है गैस तो दिखाई नहीं सकता मतलब ठीक है इनमें क्या आएगा दे आर सॉफ्ट ब्रिटल ब्रिटल एंड जो कुछ है इनके उल्टे मतलब डक्टाइल का नॉन डक्टाइल नॉन मेलेबल नॉन इलस्ट्रस having low densities and they are bad conductors of electricity par ye wala statement generally hai jaise graphite is a good conductor of electricity it is metal they uska melting point boiling point sab kuch high hai metal se zyada high acha थर्मल कंडक्टर होता है डायमंड ग्रेफाइट तो एक डायमंड ग्रेफाइट को निकाल दे तो बाकी सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं ठीक है अब इसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था वो किसने लिया था वो लिया था डोबरनियर डोबरनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या था डोबरनियर ट्रायड्स बताएंगे प्लीज सर ऐसे तीन एलिमेंट्स थे रिक्लासिफाइड एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का ग्रुप बना है जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास बाकी दो के एटॉमिक मास का एवरेज ही अरेंज्ड थ्री सिमिलर एलिमेंट्स in a group in which atomic mass of middle element is average of first and third एग्जाम्पल देंगे प्लीज लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम का नॉन मतलब एक मेरे को कर लें दो पहले उसके बाद मैं आपसे एग्जाम्पल ले लूंगा लिथियम का 9 पोटेशियम का 39 तो सोडियम का कितना एक्सपेक्टेड है 39 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 सर लिथियम 7 बिल्कुल कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम कैल्शियम 40 बेरियम 137 तो ये हो जाएगा 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 88.5 और वैसे इसका एक्चुअल वेट 87.5 है तो ये नियर सिमिलर है इसलिए ये भी डोबरनियर ट्राइड है ठीक है इतना कॉपी करिए फिर और ट्राइड्स लिखते हैं और आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में ये थोड़ा सा हिस्ट्री ही चलेगा जब तक थोड़ा हिस्ट्री होगा हिस्ट्री के बाद फिर कल की क्लास है तो पूरी पीरियोडिक टेबल आ ही जाएगी कॉपी करिए प्लीज
सर वो ही के बाद क्या है ट्राइड्स की डेफिनेशन में? इसके बाद ही अरेंज्ड ओके ठीक है सबका कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट और एग्जांपल्स लिखें इसके डोबरनियर ट्राइड्स के बताइए प्लीज। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बिल्कुल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और लिथियम बेरिलियम बोरॉन। नहीं फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी। बिल्कुल सर तीन डोबरनियर ट्राइड थे सर सिर्फ तीन थे ना ट्राइड्स तो हाँ ट्राइड तीन थे ना ट्राइड तीन थे कौन कौन से थे तीसरा कौन सा था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। चलो ये जो ट्राइड्स है ना बेसिकली शुरुआत में तीन ही थे बट फिर क्या होता है हर थ्योरी का एक्सटेंशन होता है। हर थ्योरी का एक्सटेंशन होता है मतलब कि जब तक वो पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं होती ना लोग उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में तीन थे फिर जैसे जैसे आपको एलिमेंट्स मिलते हैं उन्होंने थोड़े से और ट्रायड्स बढ़ा दिए बट उसके अंदर ये लिथियम बेरिलियम और बोरॉन बिल्कुल नहीं था क्योंकि तीनों सिमिलर ग्रुप प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप थे। ठीक है तो इसमें और कौन कौन से थे जो प्राइमरली नोटेबल हैं अपने को सारे तो वैसे भी नहीं करने होते हैं। एक है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन।
और कौन सा है? फास्फोरस, सेलेनियम, टेलुरियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये तीन और थे जो डोबरनियर ट्राइड्स में आते हैं। मतलब यदि अपन इनके मास लिखना चाहे तो सल्फर इज 32, सेलेनियम इज 79, टेलुरियम इज 127, फास्फोरस इज 31, आर्सेनिक इज 75, एंटीमनी इज 120, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80 और आयोडीन इज 127। तो ये सब डोबरनियर ट्राइड्स में काउंट हुए। ठीक है, आ गया। इसके बाद जो अगला आया वो आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ऑक्टेव्स क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट। ऑक्टेव्स किस में होते हैं? मतलब इसका इंस्पिरेशन कहां से है? बिल्कुल म्यूजिक की एट्थ नोट इज रिपीट ऑफ फर्स्ट, उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their masses and he found out that every eighth element, every eighth element is similar to फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, मतलब उसने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक दो तीन चार पांच छ सात, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात। तो इससे एट्थ एलिमेंट आएगा सोडियम, बेरिलियम से एट्थ एलिमेंट आएगा मैग्नीशियम, बोरॉन से एट्थ एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम, कार्बन से एट्थ एलिमेंट आएगा सिलिकन, नाइट्रोजन से एट्थ एलिमेंट आएगा फास्फोरस, ऑक्सीजन से एट्थ एलिमेंट आएगा सल्फर और क्लोरीन से एट्थ एलिमेंट आएगा फ्लोरीन से एट्थ एलिमेंट आएगा क्लोरीन एंड फिर पोटेशियम एंड कैल्शियम। बस इसके बाद ये चीज लागू नहीं होती, इसके बाद ये चीज लागू नहीं होती। अब पहली बात, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही कब फेल हो गया? मतलब इसमें सबसे मेजर जो ब्लो आया ना, मेजर ब्लो, नोबल गैसेस, बिल्कुल दिस कंसेप्ट केम एज डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। उन बेचारों ने इनको उड़ा के रख दिया। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वहां पर फेल हो गया। चलिए, और दूसरा जो ब्लो था वो था कि दिस प्रॉपर्टी वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखिए क्या होता है ना, जब भी कभी कोई रिसर्च होती है, एक सेकंड, आफ्टर कैल्शियम, पॉइंट समझिएगा। देखिए हर तरह की साइंस का एक एरा होता है, हर तरह की साइंस का एक जो एनालॉजीज दी जाती है ना उसका एक एरा होता है। जैसे अभी है, अभी आप और हम जितनी बातें करेंगे ना वो सारी बातें ऐसी होंगी जो मोर और लेस, मतलब हम तो चलो फिर भी कुछ नहीं, बट हाँ मेजॉरिटी लोग जो बातें करेंगे वो कोरोना वायरस के आजू बाजू करेंगे। ये जिस थियरी, जिस एरा के अंदर दिया गया है, उस वक्त जो म्यूजिक था वो बहुत पॉपुलर हो रहा था।
तो इसीलिए हर चीज उसी से रिलेट करके दी जा रही थी। इसमें ऐसा नहीं कि न्यूलैंड खुद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक सेंस है, फिर वो वाली बात ही नहीं थी। बात ये थी कि जिस एरा के अंदर जो चीज डिस्कवर होती है उसकी जो रिलेशंस होते हैं वो भी वैसे ही बनते हैं। जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोग यदि कुछ खोजेंगे तो उस वक्त जो चीज चल रही होगी आप उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे बाकी और लोगों को समझे। जैसे हम कभी एग्जांपल देंगे तो मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ कि इतने बनानास इतने मैंगोस, क्योंकि आपका जो एज है उसके अंदर जो सबसे कॉमन चीज या सबसे जो बेसिक चीज आप लोगों ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की होगी वो होगी मार्केट ग्रोसरीज एंड चॉकलेट्स। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपने कभी चावल के चावल को इतना क्लोजली, मतलब रॉ राइस को इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, पर आप लोगों ने चॉकलेट बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की होगी, इसलिए अपन एनालॉजी चॉकलेट के आसपास रखेंगे, या फिर मैंगोज के आसपास रखेंगे, ये मैंगो भी आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। तो ये एरा होता है, साइंस करने का ये तरीका होता है कि जब कोई थ्योरी दी जाती है वो थ्योरी को रिलेट किया जाता है किसी न किसी और चीज से, इससे कि बाकी जनता को वो आराम से समझ में आए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद अगला कौन था? लोथर मेयर का नाम सुना है? लोथर मेयर। हाँ सर। था क्या लोथर मेयर भी टेंथ में? नहीं था सर। नहीं सर। तो इसके बाद जो मेजर साइंटिस्ट आया वो आया लोथर मेयर, और लोथर मेयर कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ही प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑन इन ए ग्राफ, इन ए ग्राफ ऐसा। ये ग्राफ कुछ ऐसा आया इधर वाई एक्स। देखिए जब भी अपन केमिस्ट्री में कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो जो चीज पहले लिखी जाएगी वो वाई एक्सिस पर होगी, मतलब ये होगा एटॉमिक वॉल्यूम, और जो चीज इज्जत से ये होगा एटॉमिक वॉल्यूम, और जो एक्स एक्सिस जो बाद में लिखा जाएगा वो हमेशा होगा एक्स एक्सिस पर, मतलब ये होगा एटॉमिक मास। और उसने ये जो ग्राफ देखा, उसने ग्राफ देखा, ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। ये जो पीक थी ये पोजीशंस, इनको जरा अपन अलग अलग मार्क कर देते हैं, और इधर ये ब्लॉक्स, ये तीनों अलग अलग पोजीशंस हैं, ठीक है। ये जो पोजीशन है या इसको यहां से नहीं यहीं से चालू करते हैं, ये था लिथियम, ये था सोडियम, ये था पोटेशियम, ये था बेरिलियम, ये था फ्लोरीन, ये था मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ये जो पोजीशंस हैं जो उतरती हुई हैं इनको बोलते हैं डिसेंडिंग पोजीशंस, और ये जो पोजीशंस हैं क्रॉस वाली इनको अपन बोलते हैं असेंडिंग पोजीशंस। और ये जो है ये है पीक और ये है बॉटम, ठीक है। कॉपी करिए फिर समझेंगे इसके बारे में, और लोथर मेयर के बारे में दो इज्जत की लाइनें लिखेंगे और फिर मेंडेलीव क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे।
सर वो लूथर मेयर क्या है उसके आगे कर्व सर जहां पर एल आई और एन ए वहां उसको पीक बोलेंगे ना बिल्कुल सर वो एफ के पास ऐसा क्रॉस क्यों है वो इसलिए जैसे कि सेम पोजीशन दे डिफाइन नोड असेंडिंग पोजीशंस एक को डॉट बनाया एक को ब्लॉक बनाया एक को क्रॉस लगाया वैसा है सर क्रॉस किस चीज के लिए है मतलब अभी मैं लिखवा रहा हूँ वो टेंशन नहीं ले क्रॉस क्रॉस है असेंडिंग पोजीशंस के लिए
सर हो गया लिख के। ठीक है सर हो गया लिखे। चलिए सबसे बड़े आगे थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं लोथर मेयर कर्व के लिए। लिखें चलिए इन लोथर में मैं ही लिखूं ना। मैं ही लिखता हूं देखिए लोथर मेयर कर्व ने पहली बार ये हिंट दिया कि आप मॉलिकुलर मास और एटम की प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी ही होती है। तो यदि उसने लिंक कर दिया तो उसने जो फंक्शन रिलेट किया कि भाई आप यदि रेगुलरली एटॉमिक मास के पैटर्न में जाओगे एटॉमिक मास इंक्रीमेंट के पैटर्न में जाओगे तो आफ्टर सम टाइम पीक ऑफ द ग्राफ इज अचीव्ड। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है समझिए। द पीक ऑफ ग्राफ द पीक ऑफ कर्व वॉज अचीव्ड by alkali metals. They have ये वाला मार्कर नहीं चल रहा। They have high atomic volume. सबसे पहली पॉइंट। दूसरा असेंडिंग पोजिशंस पोजिशंस इन ग्राफ वर ऑक्यूपाइड
बाय हैलोजन्स, बाय हैलोजन्स। तीसरा डिसेंडिंग पोजिशंस वर ऑक्यूपाइड बाय, डिसेंडिंग पोजिशन किसने ऑक्यूपाई की थी बताइए? अल्कली और मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और लास्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैव, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी लो वॉल्यूम एंड देयरफॉर दे ऑक्यूपाइड बॉटम ऑफ कर्व, जहां पर था, जहां पर बॉटम ऑफ कर्व था वहां पर ट्रांजिशन मेटल्स थे। ठीक है, यदि बॉटम ऑफ द कर्व आया है नहीं तो फिर बात ही नहीं हुई। मतलब आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है यदि उसको अपन ऐसा 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 प्लॉट कर ले तो ये जो थी ना पोजीशंस, ये पोजीशंस मतलब शुरुआत में तो नहीं होएगा पर यहाँ पे ये ट्रांजिशन मेटल्स है, ये डिसेंडिंग पोजीशंस हैं जो आपने कर ली, ये असेंडिंग पोजीशंस हैं और पीक तो आपको मालूम ही है। आर वी क्लियर? लोथर मेयर कर्व क्लियर है ना सर? हैलोजेंस का क्या सीन था? क्या हैलोजेंस का पे था? आपने फ्लोरीन लिखा था, वो असेंडिंग में था क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो देख सुन, असेंडिंग का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये इंक्रीजिंग है पीक के लिए और ये डिक्रीजिंग है तो ये डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग ये असेंडिंग। समझ में आ गया सर? हाँ सर। बोल भाई। सर ये कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल था कर्व? या जितने उस वक्त डिस्कवर्ड थे उसे सारे प्लॉट कर दिए थे, मतलब उस वक्त जब लोथर मेयर ने कर दिया था तो कोई 40-41 एक एलिमेंट वो थे डिस्कवर्ड थे, 41-42 तो सब कुछ कर रहे थे। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया तब 63 एलिमेंट्स थे, वैसा ही इसमें नोबल ग्लासेस प्लॉट नहीं हुई क्योंकि नोबल ग्लासेस थी नहीं, जब आदमी को पता होगा तभी तो प्लॉट करेगा, ये वैसा है। तो उसने जो प्लॉट किया वो अपने हिसाब से ही प्लॉट किया था। आर वी क्लियर? हाँ सर। और इसके बाद आया मेंडलीव, लोथर मेयर से इंस्पिरेशन लेकर ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, मतलब इंपॉर्टेंट वर्क बिफोर मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्यों? इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई मेटल एलिमेंट्स लॉजिकली। इससे पहले वो कि सात के बाद रिपीट होता है, ये होता है, वो होता है, वो लॉजिक नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल है, बट दिस वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, या साइंटोलॉजिकली की जगह साइंटिफिकली, कि आपने पहले रीजन सोचा उसके बाद एक्सप्लेन करना चालू किया, और इसने दिया अपना मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऐसा उसने बोला कि प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये मेंडलीव ने बोला।
ठीक है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं इसको कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवेल इंटरवेल ऑफ एटॉमिक मासेस, ये मेंडलीव ने बोला और फिर मेंडलीव ने दी अपनी पीरियोडिक टेबल जिसको अपने को थोड़ा पढ़ना होता है, तो इसके बाद बनेगी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है? कॉपी करिए फिर बात करेंगे। यस सर, 10th की बुक में थी। बिल्कुल सही। देवांग क्या प्रॉब्लम आई? तूने मेरे को व्हाट्सएप किया है वॉइस? नहीं 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 देवांग, समझ, समस्या क्या है कि नोबल गैसेस तो कब आई हैं? नोबल गैसेस आई हैं आफ्टर मेंडलीव। न्यूलैंड तो बहुत पहले का है, पर पॉइंट ये कि भाई जब आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, पर डिस्कार्ड करने के बाद भी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी होती है, वो उम्मीद भी खत्म कर दी नोबल गैसेस ने। समझा देवांग? सर बोल भाई। सर लोथर मेयर कर्व पे तो साइंटिफिक अप्रोच ही तो थी, पर लोथर मेयर ने एलिमेंट्स क्लासिफाई नहीं किए थे ना, उसने केवल प्रॉपर्टीज बता के छोड़ दी। तो लोथर मेयर साइंटिस्ट था जिसके आइडिया के ऊपर मेंडलीव ने वर्क किया। ये ऐसा होता है कि यार देखो, जब अपन रिसर्च करते हैं ना, साइंस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक पूरी डिस्कवरी किसी एक आदमी की होती है, पूरी डिस्कवरी किसी एक ग्रुप की होती है। मतलब उसमें होता है कि कोई एक इंसान आइडिया देता है, या दो इंसान आइडिया देते हैं, या पांच इंसान आइडिया देते हैं, और फिर कोई और उसके ऊपर जनरली काम कर रहा होता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है डिस्कवरी, हाइपोथेसिस। हम लोग ये अभी तो कहना कि अपने को बहुत कुछ मालूम हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जा रहा है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। भाई पहले ये चीज सोचना कि आप एटॉमिक मासेस को यूज कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज लगता है कि क्या फर्क पड़ गया उससे, नहीं, आज सिर्फ आज ऐसा लगता है। जैसे आप लोग जब, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के लिए मोबाइल फोन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, पर आप लोगों के लिए मोबाइल फोन एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने वो देख लिया है। तो ये जो जनरेशन आती है ना, उसके अंदर साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ी सी फास्टर होती चली जाती है। आप लोगों के, मतलब जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेंडलीव ने क्या काम किया या लोथर मेयर ने क्या काम किया, पर ऐसा है नहीं। लोथर मेयर का काम बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पहली बार कोई सोचने वाला भी तो चाहिए। पहली बार ही सोचने का मतलब होता है कि कोई आप साइफाई फिक्शन बना रहे हो, जिसके पीछे बस आपने बना दिया है, पर आपको ये नहीं मालूम है कि चलो पॉसिबल है कि नहीं है, चलो पॉसिबल करने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं इस बारे में, वैसा नहीं, उसने सिर्फ बना दिया। हाँ दर्श, क्या रिप्लाई तुमने क्या बोला है?
सर हो गया लिख के, हो गया लिख के, तो चलिए फिर आप लोग जा सकते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, टाइम हो गया, कल मिले मतलब जब ट्यूसडे को मिलेंगे फिर इसके आगे। तब तक आपको एक काम करना है, आपको आपकी जो टेंथ की टेक्स्ट बुक है उसमें पीरियोडिक टेबल दे रखी है मेंडलीव की, वो अपनी कॉपी में बनानी है। सर पीरियोडिक टेबल बनानी है? हाँ मतलब मेंडलीव वाली, बाकी बड़ी वाली तो मैं खुद ही बनवाऊंगा। सर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ती है क्या? यार याद नहीं करनी पड़ती है, पर थोड़ा सा है ना समझने में आसानी रहती है यदि अपने सामने बनी हुई हो तो। मैं भी बनाऊंगा, पर मैं बनाऊंगा और आप बनाएंगे, मतलब मैं भी बोर्ड पे जब बनाऊंगा तो समझाने के लिए एक बार कोशिश करूंगा ही, पर सीन ये होगा कि मैं बनाऊंगा आप भी बनाएंगे, कॉपी तो करेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप पहले से कॉपी करके आ जाए, अपन सीधा समझ लेंगे। ठीक है सर। क्योंकि वैसा है कि वो एक ड्रॉइंग करने के अंदर यदि मैं ड्रॉइंग करूंगा और आप ड्रॉइंग करेंगे तो 35 मिनट्स निकल जाएंगे उसी में, तो अपन क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए आप पहले से बना के आइएगा टेंथ की बुक में। यदि किसी के पास नहीं हो तो आप मुझे बोलना, मैं आपको उसका पिक भेज दूंगा जो पीरियोडिक टेबल आपको बनानी, पर आपको टेंथ की बुक वाली बनानी है, जो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है जिसमें नोबल गैसेस है वो नहीं बनानी है, बिना नोबल गैस वाली बनानी है आपको। ठीक है सर।